सरकारी अस्पतालों में निशुल्क उपचार जरूर होता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ जानकारी ही नहीं होती कि इसका लाभ कैसे उठाया जाए। हाय, आप देख रहे हैं एनजीओ गाइड और मैं आई हूँ सेवा फाउंडेशन, जहाँ पर न सिर्फ मरीजों को सही जानकारी दी जाती है बल्कि शुरुआत से आखिरी तक इलाज में पूरी मदद की जाती है। ये जो मरीज होते हैं, इनका आगे पीछे कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, इनके कोई परिवार वाले नहीं होते, तो कई सारे लोग हमें संपर्क करते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनको इलाज की जरूरत है, तो उनके उसके बाद हम लोग उन्हें प्रोसेस बताते हैं। प्रोसेस सिंपल होता है, 112 टोल फ्री नंबर में उनके द्वारा कॉल किया जाता है और फिर MLC की प्रोसेस होती है, जिसके तहत में इन पेशेंट्स को मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और बाद में सोशल सर्विस डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारे संस्था के पास इन मरीजों का रिक्वेस्ट आता है। 2016 से हमने इसकी शुरुआत की। सरकारी अस्पतालों में कई मरीजों को ब्लड की दिक्कत होती हुई हमने देखी, तो हमने शुरू में रक्तदान से काम शुरू किया। हमारे पास 3,000 से 3,500 कई वॉलंटियर जुड़े। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ब्लड बैंक के साथ मिलकर रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं और जितने भी हमारे वॉलंटियर्स है वो ब्लड डोनेट करते हैं और वही ब्लड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यहाँ पे अवेलेबल किए जाते हैं। मेडिकल में आने वाले जो पेशेंट्स हैं, उनके जो परिजन हैं, मित्र जो है, वो बहुत से ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनके पास ना खाने के लिए पैसा रहता है ना रहने के लिए जगह रहती है। उस कंडीशन में सेवा फाउंडेशन 2019 से DP Jain फाउंडेशन और नारायण कुटुंब संस्था के मदद से हम लोग 2 टाइम का खाना मेडिकल परिसर के आगे में हर रोज़ 365 डेज प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं उन्हें हमारा NGO नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करके देते हैं और स्पेशली जो गढ़चिरौली मेलघाट जैसे ट्राइबल एरियाज है जहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे पॉसिबली रीजनेबल रेट में हम एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। साथ ही हमारे मरीज और उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए संस्था मार्फत एजुकेशन स्प्रेड स्माइल, इस प्रयास से उनके पढ़ाई के लिए सहायता की जाती है। मेडघाट एक ऐसी जगह है जहाँ पे नेटवर्क, रोड, बिजली नहीं है, वहाँ जाकर हमने ऐसे कुपोषित लोग हैं और जो अति पिछड़ा गांव है वहाँ जाकर हमने उन्हें बैग्स, बुक्स, किताबें प्रोवाइड की। साथ ही 5 किलोमीटर बच्चे पैदल जाते थे, उन्हें साइकिल प्रोवाइड की आने जाने के लिए। शास्त्रों में सेवा परमो धर्म कहा गया है और सेवा फाउंडेशन ने अपने कामों के जरिए इसे करके दिखाया है, तो आप भी डोनेशन या वॉलंटियरिंग के जरिए सेवा फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा लगता है।